चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी भी दबा देना। ठीक, भाई मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता। तो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे। तो फिर से लेके आ चुका हूं आप लोग के लिए न्यू कमाल का वीडियो एडिटिंग। तो गाइस अगर आप भी कुछ इस तरह का वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक देखते रहना, आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरह से क्या करना है। और गाइस अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए गाइस आज का वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो गाइस आपको इस तरह का वीडियो एडिटिंग करने के लिए आपको अलाइट मोशन का जरूरत पड़ेगा। अगर आपके पास अलाइट मोशन नहीं है तो आप इसको मेरे टेलीग्राम चैनल से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। और गाइस अगर आपको एडिटिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर DM कर देना, मैं वहाँ पर आपके मैसेज का रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं अपने एडिटिंग की तरफ। तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको अपने प्लस वाले पे इस पर क्लिक कर देना है और 9:16 वाला रेशियो सिलेक्ट करके क्रिएट प्रोजेक्ट कर देना है। ठीक है, क्रिएट प्रोजेक्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है और यहाँ से गाइज आपको क्या करना है कि आपको अपने फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो सिंपली आप अपने फोल्डर को सिलेक्ट करना है जिस भी फोटो से आप एडिटिंग करना चाहते हो। ठीक है, करने के बाद अब आपको सिंपली क्या करना होगा कि आपको अपने फोटो पे क्लिक करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना, फिल कंपोजिशन एरिया कर देना। ठीक है, और अपने फोटो को अगर आप अच्छे से एडजस्ट करना चाहते हो तो मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो और यहाँ 3rd ऑप्शन पे क्लिक करके जूम इन जूम आउट कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ इस तरह से करने के बाद आपको शेयर वाला आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको करंट फ्रेम इस PNG पे सिलेक्ट करना और यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से कुछ देर वेट कर लेना और यहाँ से क्या करना होगा कि आपको अपनी इमेज को सेव कर लेना। ठीक है, इसी तरह से गाइस आपको फिर से बैक करना है, इस इमेज को डिलीट कर देना है, प्लस पे क्लिक करना, फिर कोई दूसरा इमेज को सिलेक्ट करना, 3 डॉट पे क्लिक करना, फिल कंपोजिशन एरिया करना, फिर शेयर वाला आइकन पे क्लिक, करंट फ्रेम इस PNG पे सिलेक्ट करना और यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक करना, फिर इमेज को जो है यहाँ से सेव कर लेना। तो गाइस आपको टोटल जो है इस तरह से 4 इमेजेस को क्रॉप कर लेना है। ठीक है, इस रेशियो में आप कर लेना। करने के बाद गाइस जब आपको बैक आ जाना है और यहाँ से चल जाना है अपने प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे। ठीक है, प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे आने के बाद गाइस जब आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से 2 प्रोजेक्ट डाउनलोड कर लेना है, एक है शेक इफेक्ट और एक है बीटमार्क प्रोजेक्ट। तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इजीली आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, उसके बाद आपको सबसे पहले करना क्या होगा कि आपको अपने बीटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है। ठीक है, इसको आप जैसे ओपन करोगे आपको यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह का लेयर दिख जाएगा और आगे में भी लेयर दिख जाएंगे। ठीक है, तो आपको सिंपली करना क्या है कि आपको फर्स्ट लेयर पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करना और टेक्स्ट पे क्लिक कर देना। ठीक है, और यहाँ से क्या करना, ऊपर से क्लिक करके यहाँ से लाइट मोशन को सिलेक्ट कर लेना पहले, ताकि जो भी इमेज को आप क्रॉप करोगे वो यहाँ पर लाइट मोशन में आ जाएगा। तो सिंपली अब आपको करना क्या है कि आपको अपने इमेज पे क्लिक करना है और यहाँ से प्लस पे क्लिक कर देना, तो वो इमेज जो है कुछ इस तरह से यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो देख सकते हो कुछ इस तरह से ऐड हो गया है। उसके बाद गाइस अब आपको आगे आ जाना। ठीक है, यहाँ से देख सकते हो हमारा लेयर स्टार्ट हो जाता है। तो गाइस अब वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है, आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर ट्रिक बताऊँगा कि इस तरह से आप जो है जल्दी इमेजेस को ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो अब आपको सिंपली क्या करना होगा, प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है और यहाँ से जो आपका लाइट मोशन सिलेक्ट रहेगा क्रॉप वाला इमेज को यहाँ पर हम ऐड करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको सिंपली उस इमेज को यहाँ पर ऐड कर लेना और प्लस पे क्लिक करना, कॉपी कर देना। ठीक है, उसके बाद इस इमेज को यहाँ से डिलीट करना। डिलीट करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से जो है 4 लेयर को सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, कुछ इस तरह से देख सकते हो 4 लेयर को हमने सिलेक्ट कर लिया, तो उसके आगे हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो अब आपको क्या करना होगा, यहाँ से प्लस पे क्लिक करना, पेज स्टाइल के बगल में जो एरो दिख रहा है इस पर क्लिक करना और यहाँ से सबको अनटिक करना और पेस्ट कर देना। ठीक है, तो देख सकते हो गाइस यहाँ पर कुछ इस तरह से हमारा इमेज जो है काफ़ी जल्दी ऐड हो गया है। उसका फिर आपका डबल बीट मार्क आएगा, यहाँ पर आना है, फिर अब आपको क्या करना, प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पे जाना, फिर आपको कोई दूसरे फोटो को यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, फोटो को लेना और प्लस पे क्लिक करना, कॉपी लेयर करना, फिर इसको डिलीट करना, फिर अब क्या करना, डबल बीट मार्क के बाद जो लेयर है यहाँ पर फिर आपको जो है 4 लेयर सिलेक्ट कर लेना। देख लेना कहाँ डबल बीट मार्क कहाँ है, उसी हिसाब से आपको लेयर को सिलेक्ट करना। देख सकते हो हमने 4 लेयर को सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पर डबल बीट मार्क है। तो आपको क्या करना, प्लस पे क्लिक करना, पेस्ट स्टाइल के बगल में जाना और यहाँ से सबको अनटिक करना और पेस्ट कर देना। तो इस तरह से गाइस आपको देख सकते हो इजीली इस तरह से आप इमेज को थोड़ा जल्दी जल्दी ऐड कर सकते हो। आप चाहो तो एक एक करके भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके फिर आपका डबल बीट मार्क आ जाएगा, यहाँ आ जाना, फिर प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पे जाना, फिर आपको कोई दूसरी फोटो को यहाँ पर सिलेक्ट करना,
प्लस पे क्लिक करना, कॉपी लेयर कर देना, फिर फोटो को डिलीट करना, फिर यहाँ से क्या करना है कि आपको लेयर को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो देख सकते हो आप जो है एंड तक सबको लेयर को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको क्या करना होगा कि आपको जो यहाँ से प्लस पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पर जाना है, सबको अनटिक करना और पेस्ट कर देना। तो गाइस देख सकते हो इस तरह से काफ़ी आसान तरीके से जो है आपको यहाँ पर मैंने ट्रिक बता दिया है। आप इजीली ऐसा भी कर सकते हो, नहीं तो आप जो है एक एक करके भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसा आपको अच्छा लगे आप इजीली कर लेना। तो गाइस इतना करने के बाद अब आपको क्या करना होगा, फिर से बैक आ जाना है और आपको चल जाना है अपने शेक इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट पर, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद गाइस अब आपको क्या करना होगा, इस प्लस पे क्लिक करना, सिलेक्ट ऑल लेयर करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसको जो है लास्ट वाले लेयर को अनटिक करना, प्लस पे क्लिक करना, कॉपी 6 लेयर कर देना, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली बैक आ जाना है, फिर बीट मार्क प्रोजेक्ट पे चल जाना है, प्लस पे क्लिक करना, पेस्ट 6 लेयर कर देना, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली पूरा एंड तक आ जाना होगा और यहाँ से 6 लेयर को सिलेक्ट करना है, ठीक है, और इस ऑप्शन पे क्लिक करके पूरा एंड तक ले आना है। सो फाइनली गाइस देख सकते हो यहाँ पर आपके फोटो में काफ़ी अच्छा कलर ग्रेडिंग आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइस जिस तरह से मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो आपका बिल्कुल सेम बन जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना ताकि आपको एडिटिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरह से अब करने के बाद आपको जाना शेयर वाला आइकन पे, वीडियो की क्वालिटी को सिलेक्ट करना और एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना, आपका वीडियो यहाँ पर सेव हो जाएगा। तो गाइस आज की इस वीडियो में वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। तो अब मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो एडिटिंग के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।